लैम्बो है और भी बहुत सारी सुपर कार्स है, प्राइवेट जेट है, हेलीकॉप्टर है, काफी कुछ आ चुका है। बस खाली यार मेरे पास कोई ऑफ रोडिंग के नाम पे कोई भी ट्रक नहीं है या फिर कार नहीं। तो गाइस यार इसी चीज को देखते हुए आज हम करने वाले अपने मॉन्स्टर ट्रक को लाने वाले अपने घर के अंदर। गाइस यार हम लोग अपने गेम के अंदर इतनी सारी गाड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं, इतने सारे बंदों को इकट्ठा कर रहे हैं, खाली इसके एक ही बजाय, क्योंकि गाइस यार अभी अपने लॉस एंजेलिस के अंदर गाइस एक बहुत ही बड़ा गैंग वार होने वाला है जो कि आपको आगे वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, लेट्स गो। और आज की अपने इस वाले दिन की शुरुआत हो रही है अपने दूसरे वाले घर यानी कि यार अपने फार्म हाउस जो कि यार लोगों ने बीच के पास खरीदा था। तो गाइस यार जिन लोगों को भाई अलग घर की अंदर की चीज़ों के बारे में नहीं पता तो भाई वो देख लो यार इस वाली वीडियो के अंदर। तो फिलहाल गाइस अभी निकलते हैं हम लोग बाहर, अपने सुपर को उठाते हैं। और गाइस यार पहले हम लोग भाई अपने मॉन्स्टर ट्रक की डिलीवरी लेने नहीं, पहले हम लोग जा रहे हैं यार गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने, यानी कि यार गाइस आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि यार गाइस हम लोगों ने एक हफ्ते भाई पुलिस की ड्यूटी को ज्वाइन किया होता है, जिसकी वजह से यार हम लोगों के पास कुछ पुलिस के भी काम आते रहते हैं और साथ में यार हम लोगों के पास गैंगस्टर के भी काम आते रहते हैं। तो गाइस यार हम लोग इस समय गेम के अंदर भाई दोनों चीज़ें बने हुए, मतलब यार पुलिस भी बने हुए गैंगस्टर भी बने हुए। तो गाइस हम लोग दोनों चीज़ें करके कहीं चलनी हुई है। तो गाइस यार पहले तो हम लोग को एक केस सुलझाने जाना है, तो फटाफट चलते हैं उस तरफ को। भाई एक कार शोरूम का मालिक है जिसकी भाई गाड़ी चोरी हो गई है, जिसकी वजह से यार भाई वो इतने ज़्यादा सदमे में आ गए कि भाई वो अपने शोरूम की छत से भाई कूदने वाला। तो गाइस यार सबसे पहले यार हम लोग उसके पास जाकर उसे बचाना होगा। तो गाइस यार फिलहाल मैं उसके पास आ चुका हूं, और भाई यही बंदा भाई मैंने उससे कहा भाई रुक जा भाई क्या कर रहा है यार, इतनी सारी गाड़ी है भाई कूद के करेगा क्या है। तो भाई ये मान ही नहीं रहा भाई ये कूदने वाला है। तो गाइस यार अभी हम लोग को जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसे बचाने के लिए। तो भाई मेरे पास एक दिमाग आया बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला कि भाई पसी में एक ट्रक खड़ा हुआ है जहाँ पे भाई अंदर गत्ते रखे हुए पन्नी वाले, तो गाइस यार अगर उस पर गिरेगा तो भाई ये सारे शायद बच जाए। तो करने में क्या जा रहा है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं यार, कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती। भाई मैंने सिक्योरिटी के लिए भाई दो बंदों को भी भेज दिया यार ऊपर भाई, तब भी ये नीचे नहीं आ रहा, लेकिन भाई जो दो बंदे भाई उनको भी जाने में डर लग रहा है ये कूद ना जाए। तो गाइस यार अभी अपने पास एक ही तरीका बचा हुआ भाई उस ट्रक को लाना। तो गाइस चलते हैं उस ट्रक को लाते हैं, देखते हैं कि हम लोग इस वाले बंदे को भाई बचा पाते हैं या फिर नहीं। तो गाइस यार यहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ है जो कि जिसका मालिक में गाइस भाई कुछ तो कर रहा है, फोन बात कर रहा है भाई उठाते हैं भाई, दो मिनट यार अभी दे रहा हूँ। तो चलो गाइस इसको फटाफट से लेके चलते हैं उस ट्रक को। भाई अब इसको भाई याद आ रहा है भाई इसका ट्रक पीछे खड़ा, भाई रुक जा भाई बहुत ही यार इंपॉर्टेंट काम है, फटाफट से यार काम करने दो, डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। ओके भाई कूदना है ना भाई, कूद जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जा भाई नीचे मैं खड़ा हूँ पकड़ लूँगा भाई, आ जा कोई दिक्कत की बात नहीं। तो गाइस यार अभी हम लोग यहाँ पे अपना ट्रक लेकर आ चुके हैं, भाई गिरेगा भी तो भाई हम लोग आसानी से बचा लेंगे, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिलहाल गाइस अभी ट्रक हम लोग के भाई एकदम एग्जैक्ट पोजीशन लगाना है जिससे कि अगर ये गिरे तो भाई हम लोग इसे बचा सके। तो गाइस इसे बचा लेते हैं और फिर चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ, यानी कि यार हम लोग भाई आप लोगों को मैंने बताया ना कि यार हम लोग भाई पुलिस वाले भी गैंगस्टर भी, तो भाई हम लोग दोनों काम कर चलने पड़ेंगे। और गाइस यार हम लोग भाई एक मैकेनिक दोस्त ने बताया है जिसकी यार किसी से भाई लड़ाई लड़ाई हो गई, तो उसके पास चल के देखते हैं भाई उसका क्या मैटर चल रहा है। तो गाइस इसको तो बचा लिया हम लोगों ने, अभी हम लोग आ चुके थे मैकेनिक वाले दोस्त के पास, और जिसकी भाई किसी से फाइट वाइट हो गई भाई, कुछ बिल्डर विल्डर था जिसने यार इसकी कोई गाड़ी वाड़ी को भाई तोड़ ताड़ दिया। तो गाइस यार हम लोग को जाके भाई उस मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा, और भाई ये बता रहा है कि भाई उसकी लोकेशन कौन सी, भाई कह रहा है कि भाई वो बिल्डर जो भाई उसने अपने घर बनवाए, तो भाई हम लोग को उसके घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना पड़ेगा। तो गाइस यार ये तो भाई बहुत ही यार गुस्से में, तो गाइस यार मैंने कहा भाई रुक जा यार मैं ही जाके कर देता हूँ। तो गाइस यार अभी हम लोग भाई अपना दूसरा काम करते हैं जिसके बाद हम लोग चल पाएंगे फाइनली अपने मॉन्स्टर ट्रक की डिलीवरी को लेने के लिए। बाकी यार मेरे को उनसे बातचीत भी करनी है गाइस कितने का क्या है। तो गाइस यार फिलहाल भी हम लोग आ चुके हैं भाई बिल्डिंग वाली साइड की तरफ, और फिलहाल गाइस यहाँ पर जितने भी कर दे पा रहे हो मुझे यहाँ पे भाई क्रेन की मदद से भाई सारे सारे तोड़ने हैं। तो फटाफट से उठाते हैं सारे घरों को और तोड़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस ये यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक ट्रक ट्रक और क्रेन देख पा रहे होगे, तो इसे हम लोग उठाना है फटाफट से जितनी जल्दी हो सकता है। लेकिन गाइस पहले अंदर कहाँ जाना है भाई, अंदर जाने की लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी मेरे को एक सेकेंड। भाई सॉप इतना ज़्यादा चला बंदा था भाई, चारों तरफ से भाई दीवार उठा के रखी हुई इसने। भाई मैं जैसे जैसे फान फूंद के आया हूँ, तो गाइस यहाँ पे किसी कंटेनर रखे हुए जिनको यार हम लोग को तोड़ना है। तो ये क्रेन वाला यहाँ पे भाई गिट्टी मारन दबा रहा, तो गाइस इसको फटाफट से बाहर निकालते हैं हम लोग, बैठते हैं अंदर और फटाफट से अपने काम को अंजाम देते हैं और फिर चलते हैं भाई अपने मॉन्स्टर को लेने के लिए। तो गाइस फटाफट से भाई दो भाई कितने सारे बंदे आ रहे हैं, भाई मैं क्रेन लिए हूँ भाई हटिया सामने से। तो गाइस इधर अभी हम लोग क्रेन लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हम लोग घर को तोड़ना स्टार्ट करते हैं इसके। तो पहले वाला कंटेनर तो हमने तोड़ दिया, अभी यार बचा दूसरा वाला, और फटाफट से हमें जितने हैं भाई सारे सारे कंटेनर को भाई हम लोग फटाफट से तोड़ देंगे और निकलते सीधा अपने मेन काम के लिए, जिसके लिए यार हम लोग आ जाएँ अपने लॉस एंजेलिस के अंदर, यानी कि भाई अपने ट्रक डिलीवरी को बाय करना। और गाइस जरा अभी भाई मैं एक और बार बता देता हूँ आप लोग,
कोको कि यार अपने लॉस सेंटोस के अंदर भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला गैंग वार होने वाला है, जो कि यार आज तक कहीं भी किसी भी सिटी के अंदर नहीं हुआ होगा, जिसके लिए भाई मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। भाई मैंने पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन कर ली, मैंने भाई सुपरा चुरा ली, भाई फरारी लैम्बो, भाई घर खरीद लिए, सारे इतना सारे काम किए। तो गाइस अभी के लिए भाई मैं इतना ही रिवील करने वाला हूँ, आगे चल के भाई आप लोगों को सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो गाइस जरा फिलहाल अभी सारा काम हम लोग हो चुका है, यानी कि हम लोग आ चुके हैं अपने मोस्ट अट्रैक्टेड डिलीवरी को लेने के लिए। और गाइस यार मैंने अपने डीलर को बुला लिया, जो कि यार अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाला है, और भाई सीधे बता रहा भाई लेने से पहले भाई टेस्ट ड्राइव लेने वाला है। तो मैंने कह दिया भाई कोई दिक्कत बात नहीं, ले ले भाई हम लोग तो फ्री बैठे हैं। तो गाइस यार बातों बातों में डीलर भी आ चुका है, और गाइस यार डीलर हम लोग को सारी की सारी चीज़ों को बता रहा है भाई कितने क्या है, क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है। तो गाइस यार मेरी सारी सारी बात हो चुकी है, और भाई मैंने सीजे की तरफ से बोल दिया कि भाई हम लोग को भाई इसी वाली गाड़ी जो टेस्ट ड्राइव चाहिए तो चाहिए। तो गाइस यार हम लोग सारा सारा रूट बता दिया कि भाई हम लोग को कहाँ से कहाँ की टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, मतलब कि यार ऑफ रोडिंग ट्रक। तो गाइस ऑफ कोर्स यार हम लोग पहाड़ों में जाने वाले हैं, तो गाइस फिलहाल अपने मोस्ट ट्रक के अंदर बैठते हैं, चाबी अभी मैंने ले लिया, चलते हैं टेस्ट ड्राइव करते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने मोस्ट ट्रक के अंदर, और भाई ये फुल्ली ऑफ रोडिंग करने वाले हम लोग, तो फटाफट से निकलते हैं। और भाई हम ऊपर टाइम भी चल रहा है, भाई कितनी देर तक हम लोग चलाने वाले हैं भाई, उसकी भी फीस अलग से काटेंगे। तो कोई दिक्कत बात नहीं यार, भाई ट्रक लेना है तो भाई लेना है यार, देखो सीधी सी बात है। तो अभी हम लोग फिलहाल इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं और निकलते हैं सीधा अपने घर की तरफ को। भाई टेस्ट ड्राइव करके घर पे ले चलेंगे, पेमेंट भाई ऑनलाइन ऑनलाइन कर देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, रुक कर चलता है तुम्हारे भाई के यहाँ पे। तो फिलहाल अभी अपनी गाड़ी तो भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त चल रही है, मतलब क्या दे सकते हो यार। अभी मान लो हम लोग इसी चर्च कर रहे हैं, और भाई हम लोगों से जहाँ पे भाई ऑफ रोडिंग वाली एरिया प्लिया है, तो भाई वो क्या लगता है भाई उसके पास भाई स्पोर्ट गाड़ी है या फिर भाई कोई ऐसे ही कोई नॉर्मल गाड़ी लेके आया हुआ वो बंदा, तो भाई वो क्या लगता है भाई मेरे को पकड़ पाएगा भाई पुलिस वाली गाड़ी है भाई इनकी। अगर भाई मैंने 2 मिनट के अंदर भाई इनको धक्का दे दिया, भाई इनको क्या लगता है भाई ये लोग पकड़ पाएंगे नहीं। गाइस यार मेरे पास सुपरा है, लैम्बो, फरारी, प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, नए नए घर हो भाई, देखो आज मोस्टर ट्रक भी आ चुका है। तो फिलहाल अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे को भाई ट्रक पसंद आ चुका है। तो गाइस यार अभी मैं जाने वाला हूँ भाई अपने सीधे अपने घर की तरफ को, और अपने ट्रक को वहीं पर खड़ा करने वाला हूँ, और मैं अपने भाई मेन घर की तरफ को नहीं लेके जाने वाला हूँ, उसे हम लोग लेके जाने वाले थे अपने फार्म हाउस तरफ को, जहाँ पर हम लोगों ने अपनी सुपरा खड़ी है। और भाई सुपरा से आता है गाइस यार, मैं सुपरा तो अपनी वहीं छोड़ा है, तो चलो कोई दिक्कत बात नहीं भाई, वो तो मेरे यार वर्कर छोड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत बात नहीं। अभी चलते हैं हम लोग सीधे अपने घर की तरफ अपने ट्रक को लेके, भाई क्या ही ऑफ रोडिंग कर रहा है भाई, ऑफ रोडिंग करे तो लेके जाने वाला हूँ मैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने घर की तरफ को, और ये जगह पे भाई मैंने ट्रक इसलिए खड़ा किया हुआ है ताकि यार मैं आप लोगों को अपने सीन दिखा पाऊँ। भाई मैंने उसके पास गया, भाई मैंने कलर चेंज करवाया कि भाई वो कलर भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था। तो गाइस यार मैंने इस कलर में अपने मोस्टर ट्रक को बाय कर लिया है, तो आई होप आप लोग को भी अला ट्रक पसंद आया होगा। भाई मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया भाई, बहुत ही ज़्यादा काम का मेरे। तो गाइस यार फिलहाल भाई मैं इसे घर में खड़ी करने को जा रहा हूँ, भाई मेरा घर पीछे भाई, यहाँ पे भाई डिवाइडर वाइडर नहीं है क्या भाई, 1 सेकंड यार काटना पड़ेगा हम लोग यहाँ से। भाई साहब इतनी ज़्यादा मेहनत है भाई, भाई हम लोग अपने घर के अंदर आ चुके हैं, और फिलहाल भाई मेरे ख्याल से भाई इसमें 2 गाड़ियां तो और आराम से आ जाएंगे। भाई देखो कितनी पीछे लग गया भाई, एक लैम्बो और अपनी सुपरा तो आ जाएगी, बाकी फरारी का रहेगा देख लें भाई कहाँ पे खड़ी करना है। तो फिलहाल इसको यहाँ पे खड़ी करते हैं, और आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग भाई इतना ही रखते हैं। तो फाइनली गाइस यार हम लोग के पास आ चुका है अपना मोस्टर ट्रक, जो कि भाई ऑफ रोडिंग में भाई A1 है। तो गाइस यार अभी आज की इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, आई होप आप लोग वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।